नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन सा सवाल अक्सर मेरे पास पेरेंट्स आते हैं जब अपने बच्चों को दिखाने के लिए, तो पूछते हैं कि क्या दूध के दांत में मसाला भरवाना चाहिए या नहीं भरवाना चाहिए। दूध के दांत में मसाला भरवाने का क्या मतलब है, जबकि आगे चल करके उसको निकलना ही है, तो मसाला भरवाने से क्या मतलब निकलेगा, क्यों फालतू में पैसे बर्बाद किए जाएं। और एक दूसरा उनका और लॉजिक होता है कि मान लीजिए हमने दूध के दांत में मसाला तो भरवा दिया, तो इसके नीचे जो परमानेंट दांत आने वाले हैं उसके इरप्शन में यानी उसके आने में कहीं कोई तकलीफ तो नहीं होगी, कहीं ऐसा तो ना हो कि दूध का जो दांत है उसमें हमने मसाला भरवा दिया जिसके कारण से नीचे वाला दांत है, परमानेंट दांत है, वो पूरी तरह से ऊपर आ ही ना पाए उस मसाला भरने के कारण और वो नीचे तरह से दबा पड़ा रह जाए। तो ऐसे सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि दूध का दांत है तो उसमें मसाला भरवाना चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि आपने मसाला नहीं भरवाया तो आगे चल के आपके बच्चों को क्या तकलीफ हो सकती है, और यदि आपने मसाला भरवा लिया तो आप किन किन तकलीफों से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दूध का दांत उसमें मसाला भरवाने का और परमानेंट दांत के इरप्ट होने का क्या रिलेशन है, क्या कोई वास्तव में संबंध है या नहीं है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपके सारे डाउट्स इससे संबंधित क्लियर हो जाएंगे। और उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, इसके पहले भी आप मेरे वीडियोस को देख चुके हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे, क्योंकि मेरे चैनल में आपको इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव, वैल्यूएबल और यूजफुल वीडियो ही मिलते हैं जो कि सामान्य रूप से या तो ओरल हेल्थ से संबंधित होते हैं या फिर जनरल हेल्थ से संबंधित होते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट है, मुझे आप कमेंट करिए। मैं हर संडे रात 8 बजे संडे कमेंट बॉक्स के रूप में आता हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करता हूँ। चलिए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें मसाला भरवाने की जरूरत क्यों पड़ती है, चाहे फिर वो बच्चों के दांत हो या बड़े के ही दांत क्यों ना हो। देखिए, होता यह है कि जब हम कुछ खाना पीना खाते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे दांतों के बीच में फंसे रहते हैं, उनमें सड़न होती है जिसके कारण से विभिन्न प्रकार के एसिड्स का निर्माण होता है, और ये एसिड्स डीमिनरलाइजेशन के प्रोसेस करते हैं जिससे दांतों का इनेमल क्षरित होने लगता है, यानी धीरे धीरे खराब होने लगता है, और इसी को हम बोलते हैं दांतों में कीड़े लगने की शुरुआत, यानी दांतों में सड़न की शुरुआत। अब यदि इसमें इसी अवस्था में इसका ट्रीटमेंट करवा दिया जाए तो आगे समस्या नहीं बढ़ेगी, लेकिन यदि इसका ट्रीटमेंट ना करवाया जाए, लापरवाही की जाए, तो धीरे धीरे इनेमल के बाद डेंटिन, डेंटिन के बाद फिर दांतों के जिंदा भाग यानी पल्प में इन्फेक्शन पहुंच जाता है, सड़न पहुंच जाती है, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है। तो ये समस्याएं आगे ना हो इसलिए समय रहते ही दांतों में मसाला भरवाना पड़ता है, फिर चाहे वो दूध के दांत हो जिसे हम प्राइमरी टीथ बोलते हैं या मिल्क टीथ बोलते हैं, या फिर परमानेंट दांत हो। यदि इसी अवस्था में इसमें मसाला भरवा लिया जाए तो आगे चल के तकलीफ नहीं होती है। अब चलते हैं पहले सवाल की ओर, और वो है कि क्या दूध के दांत में मसाला भरवाना चाहिए, क्यों भरवाना चाहिए, जबकि दूध का दांत है, आगे चल के इसको निकलना है तो क्यों इसमें पैसे बर्बाद किए जाए। ये मैक्सिमम पेरेंट्स की ऐसी सोच होती है, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो इसी सोच के साथ आते हैं। यदि उनको बताया जाए कि आपके बच्चे के दांत में सड़न लग चुकी, इसमें आप मसाला भरवा लीजिए, अभी कोई तकलीफ नहीं है, तो ये सड़न इसी अवस्था में उसको रोक करके इसमें मसाला भर देंगे तो आपका बच्चे का जो दांत है वो ठीक हो जाएगा, आगे कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन वो इस चीज़ को मानते नहीं। और अक्सर ये मुझसे वो मुझे ये बताते हैं कि सर दूध का दांत है तो इसमें क्यों मसाला भरवाना, जबकि इसको आगे चल के गिरना ही है। तो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यदि आपने इसमें मसाला नहीं भरवाया, मतलब सड़न लग चुकी है और उसमें फिलिंग नहीं करवाई, तो क्या तकलीफ हो सकती है। जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया कि जब आप मसाला नहीं भरवाते हैं तो जो सड़न होती है पहले इनेमल को प्रभावित करती है, उसके बाद ये डेंटिन में जाती है, और उसके बाद फिर दांत के जिंदा भाग यानी तीसरी लेयर जिसे हम पल्प कहते हैं उसमें जाती है, और जैसे ही सड़न पल्प में पहुँचती है तो दांतों में धीरे धीरे दर्द की शुरुआत हो जाती है, और ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बच्चा जो है उसको बहुत तकलीफ हो सकती है, बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, इसके अलावा दांत हिलना स्टार्ट कर देता है, हमारे मसूड़ों में सूजन आ जाती है, और कभी कभी तो अक्सर ऐसा आपने देखा होगा कि मसूड़ों के ऊपर जिस दांत में कीड़े लगते हैं उसके ठीक ऊपर एक पस फोड़ी यानी डेंटल एब्सेस बन जाती है, जिसमें 2-4 दिन में पस बनता है, वो अपने आप फूट जाती है, फिर पस बनता है, फिर फूट जाती है, ये समस्या चलती रहती है। और
अक्सर पेरेंट्स इसी स्थिति में आकर के डरते हैं, घबराते हैं और तब डॉक्टर को आकर के अपने बच्चों को दिखाते हैं। तो यदि आपने शुरुआती अवस्था में ही बच्चे के दांत में मसाला नहीं भरवाया, फिलिंग नहीं करवाई, तो इस प्रकार की समस्याएं आपको हो सकती हैं। अब चलिए बात करते हैं कि यदि आपने समय रहते ही सही समय पर दांत में मसाला भरवा लिया तो आपको आप किन किन समस्याओं से बच सकते हैं। देखिए, जब इनेमल में इन्फेक्शन पहुंचा यानी सड़न हुई, तभी यदि आप समझ में आ गया, आपको आपने बच्चों को देखा, उसके दांत में यदि कोई ब्लैक स्पॉट ब्राउन स्पॉट दिख रहा है, मतलब कीड़े की शुरुआत हो चुकी है, सड़न की शुरुआत हो चुकी है, आप इस अवस्था में जब आते हैं मसाला भरवाने के लिए, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उस पूरे पोर्शन को मशीन से निकाल देते हैं, वहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है, डिच बन जाता है, और उसी गड्ढे में विभिन्न प्रकार के टूथ फिलिंग मटेरियल्स होते हैं, उसको भर देते हैं। होता यह है कि जो ये सड़न लग रही होती है वो इनेमल से आगे नहीं बढ़ पाती और आपके बच्चे का दांत बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, सुरक्षित रहता है। अब इससे होता यह है कि जो इसके नीचे परमानेंट दांत आ रहा है वो तो उसका जब समय होगा, जिस समय पे उसको आना होगा वो तो आएगा, लेकिन इस बीच में क्या होगा, आपके बच्चे का दांत सुरक्षित हो जाएगा तो आगे इन्फेक्शन नहीं होगा, उसको आगे दर्द नहीं होगा और धीरे धीरे वो दांत जब उसको गिरने का जो समय आता है वो अपने समय पर ही गिरना स्टार्ट होगा और उसकी जगह पर परमानेंट दांत निकलना स्टार्ट कर देगा। होता यह है कि जब परमानेंट दांत निकलता है तो वो एक इरेक्टिंग फोर्स लगाता है ऊपर की ओर, और उस इरेक्टिंग फोर्स के कारण जो दूध का दांत होता है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकता है और नीचे वाला दांत जो परमानेंट दांत है वो ऊपर की ओर आता है। ये प्रोसेस होती है। अब मान लीजिए यदि आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया होता, तो मान लीजिए कि किसी बच्चे की उम्र करीब 6-7 साल की हो गई है, 8 साल की हो गई है, और उसका जिस दांत में उसको कीड़े लगे हैं उसके गिरने का जो समय है वो मान के चलिए कि 11 साल की है। इस बीच में आप क्या करेंगे, यदि बच्चों को तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है डॉक्टर के पास जाएंगे। अब डॉक्टर उसमें क्या करेंगे, उसका एक एक्सरे करते हैं, एक्सरे करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि जो परमानेंट दांत हो कितना नीचे है, यदि भी पूरी तरह से नीचे है, अच्छी तरह से बन नहीं पाया है, तो ऐसे स्थिति में दूध के दांत का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्या ट्रीटमेंट करते हैं, इसके लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया जाता है। अब सोचिए, जो बड़े होते हैं वो तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने से डरते हैं, उनको उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, इंजेक्शन का डर रहता है कि इंजेक्शन लगेगा, तो एक 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का बच्चा कैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएगा। और फिर यदि मान लीजिए करवाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट खर्चीला और ज़्यादा टाइम लगने वाला और साथ में परेशानियों भरा वाला इलाज होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत इलाज है, इलाज सही है, लेकिन छोटे बच्चे के लिए तो तकलीफ हो ही सकती है ना, तो इसलिए क्या करेंगे कि उसमें तकलीफ का इंतजार ना करके अपने बच्चों को डॉक्टर को दिखाइए, और यदि उसमें दर्द नहीं है, उसमें केवल अभी कीड़ा लगा हुआ है, तो उसके दांत में मसाला भरवाइए। ये एक सुरक्षित तरीका है, इससे आपको कोई साइड इफेक्ट आपके बच्चों को नहीं होने वाला है, बल्कि विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आगे आने वाली हैं, जो प्रॉब्लम्स आगे आने वाली हैं, उससे आपका बच्चा बच जाएगा और आपको भी समस्याएँ नहीं आएंगी, आप भी परेशानी से बचे रहेंगे। एक जो दूसरा बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं पेरेंट्स, और वो ये बोलते हैं कि मान लीजिए दूध के दांत में हमने मसाला भरवा भी दिया, तो क्या परमानेंट दांत के इरेक्ट होने में कोई समस्या होगी। उनका ये लॉजिक रहता है कि जब इसमें हम मसाला भर देंगे तो ये पूरी तरह से पकड़ मजबूत बना लेगा, तो नीचे जो नीचे वाला जो दांत है परमानेंट वो ऊपर आ ही नहीं पाएगा। इस स्थिति में क्या करें, क्या ये सही है मसाला भरवाना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूध के दांत में मसाला भरवाना और परमानेंट दांत का इरप्ट होना यानी आना, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। दूध के दांत को जब गिरना होगा अपने समय पर, वो ऑटोमेटिकली ढीला होना चालू कर देगा और गिर जाएगा, और उसकी जगह परमानेंट दांत का जब आने का समय होगा तो अपने आप धीरे धीरे ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम दूध के दांत में मसाला भरते हैं तो उसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया जाता, एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया जाता, कोई ऐसी बॉन्डिंग चीज नहीं लगाई जाती जिसके कारण से कि वो बिल्कुल फिक्स हो जाए और हिलना डुलना बंद कर दे और धीरे धीरे ऊपर आना बंद कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। एक सिंपल सी प्रोसेस होती है, जहाँ पे सड़न लगती है उस सड़न को साफ करके मशीन से और उसमें दांत में भरने वाला मसाला डाल दिया जाता है, और इसके अलावा कोई भी प्रोसेस नहीं की जाती, तो इसके इरेप्टिंग फोर्स पर दूध जो परमानेंट दांत है उसके आने का कोई रिलेशन नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप बिना किसी टेंशन के आप बिल्कुल अपने बच्चे के दांत में मसाला भरवा सकते हैं यदि उसकी रिक्वायरमेंट है। आप अपने बच्चों को कम से कम एक बार जरूर डॉक्टर को दिखाएं, और यदि उसमें रिक्वायरमेंट है मसाला भरने की तो आप बिल्कुल भरवाइए, इससे आगे चल के आप विभिन्न प्रकार की परेशानियों से बच जाएंगे। अदरवाइज आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, महंगा ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा और साथ में बच्चों को भी परेशानी होती है वो अलग से। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि दूध के दांत में मसाला भरवाना
सुरक्षित तरीका होता है, आगे आने वाली समस्याओं से परेशानियों से बचने का तरीका होता है, इसका परमानेंट दांत के इरेक्ट होने से संबंधित से कोई संबंध नहीं होता है। आप बिल्कुल बिना परेशानी के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झिझक के दूध के दांत में यदि मसाला भरवाने की कंडीशन बन रही है, आपके डॉक्टर ने बता दिया है, तो आप बिल्कुल उसमें मसाला भरवा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करिए। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।